गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने लास्ट क्लास में मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो सीखा था। और इस क्लास में हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। देखिए, आपको अभी तक ये तो पता ही होगा इम्प्रॉपर प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज इसका क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, लेस देन है न्यूमिनेटर से। डेट मीन्स क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर से छोटा है, इसलिए आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे वो आप देखिए। ठीक है, हमें अगर इसको बोले कि हमें एक फ्रैक्शन दे दे कि इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? 11 है आपको दिया हुआ न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसमें क्या है, 5 का डिवाइड जो नीचे दिया हुआ उसका डिवाइड करोगे। 5 में 11, 5 का डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 5 हो जा 5, 5 टू जा 10, 2 टाइम्स 10 आ गए यहाँ पे, 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने पे 1। अब ये आ गया, अब इसको लिखना कैसे है वो देखिए। आप आपने ये तो आंसर निकाल लिया, अब इसको मिक्स मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कैसे लिखना है देखिए। 5 को एज इट इज, ये जो है डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और हमारा जो क्वोशंट है ना, ये क्वोशंट है इसको यहाँ लिखेंगे। क्वोशंट को हम लिख दिया यहाँ पे, 2 को 1 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी बन गई मिक्स फ्रैक्शन। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारी फ्रैक्शन सही है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आपको बताया मैंने लेस देन था, मिक्स को इस फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू जा 10, और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1। 11 अपॉन 5 आपका अगर आंसर वापस आ जाता है ये सेम, डेट मीन्स आपकी फ्रैक्शन आपने सही बनाई है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहां मैंने लिखा 17/4। ठीक है, 17/4 लिखा है, अब इसको कैसे चेंज करोगे देखिए। लास्ट क्लास में वैसे मैंने आपको बताया था मिक्स को भी, इम्प्रॉपर को भी मिक्स में चेंज करना, लेकिन फिर से हम एक बार देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने टॉपिक लिया है। देखिए, 4, अब 17 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स में लिखेंगे कैसे, ये जो एज इट इज है डिनोमिनेटर सेम लिख देंगे, क्वोशंट को यहां लिखेंगे, और ये आपका 1 जो रिमाइंडर है वहां। ठीक है, अब इसको वापस करके देखिए, आंसर सही है नहीं, मैच हो जाएगा आपका आंसर। 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, और प्लस 1 17, तो 17/4 अगर आपका फिर से आंसर में आ जाता है, डेट मीन्स आपकी ये मिक्स फ्रैक्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, ट्वेंटी अपॉन सिक्स कैसे चेंज करेंगे? सिक्स डिवाइड, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा 12, सिक्स थ्री जा 18, और 6 4 जा 24। तो हमने क्या किया, 3 टाइम्स डिवाइड, कितना आ गया, 3 क्वेश्चन आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया। ओके, तो यहाँ क्या करोगे आप, इसको लिखना कैसे देखिए। एज इट इज लिख देंगे 6 को, 3 क्वेश्चन है, 2 रिमाइंडर है, ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। अब आप इसको देखिए, बोल के इसको फिर से सॉल्व करके देखेंगे, 6 को 3 से, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20 अपॉन 6, सेम आ गई हमारी फ्रैक्शन। डेट मीन्स ये हमारा करेक्ट है, बिल्कुल हमने जो मिक्स फ्रैक्शन चेंज की है। ओके,
एक्सरसाइज 8.4 इसी पे बेस्ड है, कन्वर्जन फ्रैक्शंस के कन्वर्जन पे, तो ये आप करोगे ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या, कन्वर्जन के बाद कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन, दैट मींस देखिए कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर देन है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन, जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा उन फ्रैक्शन का हम उसका कंपैरिजन करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने दो फ्रैक्शन लिखी है 3/7 और 5/7, दो फ्रैक्शन हमारे पास ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको, अब दो फ्रैक्शन मैंने लिखी है, अब इसमें आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन आपकी छोटी है, ग्रेटर देन कौन सी और स्मॉलर देन कौन सी है, ये आपको इसमें बताना है। तो मैंने यहाँ लिखा इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, दो टू डायग्राम्स बनाए, स्ट्रिप्स है टू, मैंने इनको फिल कर दिया, थ्री पार्ट्स फिल कर दिए, 1, 2, 3 पार्ट्स फिल कर दिए और 4 पार्ट्स मैंने एज इट इज रहने दिया, यहाँ मैंने 5 पार्ट्स फिल कर दिए और 2 पार्ट्स मैंने ब्लैंक रहने दिए ठीक है। तो शेडेड पोर्शन ज्यादा किसका है, शेडेड पोर्शन ज्यादा किसका है, 5 वाला पोर्शन क्या है, शेडेड वाला हमारा ज्यादा है ठीक है, मोर देन 3 वाला उसे ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, इसका कंपैरिजन, और जब लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करेंगे तो उसके लिए हमारा रूल क्या रहता है, इफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ टू गिवन फ्रैक्शंस आर सेम, द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर न्यूमरेटर। जब हमारा लाइक फ्रैक्शन होती है ठीक है, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनका अगर न्यूमरेटर, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन होता है, वो फ्रैक्शन भी आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। इसमें न्यूमरेटर किसका ज्यादा है, 5/7, तो ये क्या ग्रेटर देन क्या है, 5/7 ग्रेटर देन 3/7 ओके, तो ये आपकी ग्रेटर देन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए मैं लिखा 4/11, 2/11, 1/11, डिनोमिनेटर सेम है ठीक है, थ्री फ्रैक्शन लिखे डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या बताओगे इन तीनों में से ग्रेटर देन कौन सी है। मैंने क्या बोला, जिनका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा, जब लाइक फ्रैक्शन हो डिनोमिनेटर सेम हो और उनका न्यूमरेटर क्या है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा, 4 बड़ा है यहाँ 2 1, तो ये यहाँ ग्रेटर देन 4/11, ग्रेटर देन 2/11, ग्रेटर देन 1/11 ओके। तो ऐसा होगा आपकी लाइक डेसिमल का कंपैरिजन ऐसे होगा, 7/8 है और 3/8, तो
आपको देखते पर चल रहा है कि इनका डिनोमिनेटर सेम है तभी ये रूल अप्लाई होगा. डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तभी रूल अप्लाई होगा कि इनका न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो फ्रैक्शन भी आपकी ग्रेटर देन होगी. ओके तो आज हमारा क्या कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन का हो गया, सेम जो डिनोमिनेटर वाला आपका हो गया है. कल हम नेक्स्ट कंपेरिजन करेंगे कंपेरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. आज हमने लाइक फ्रैक्शन का कंपेरिजन किया है, कल हम क्या करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का हम कल कंपेरिजन करेंगे. ओके इसमें एक टॉपिक और है, देखिए आप अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है. पहले तो हमने डिनोमिनेटर देखा जिनका सेम है, अब न्यूमरेटर वाला देखिए क्या करना है. इनमें इसमें न्यूमरेटर सेम होगा 5/8 और 5/11. अभी तक हम फ्रैक्शन का क्या कर रहे थे जिनका डिनोमिनेटर सेम था. अब इनका देखो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है. देखिए यहाँ 11 है यहाँ 8 है और न्यूमरेटर क्या है 5 और 5. तो हमें अब क्या करना है, इसमें क्या होगा, इसमें जो न्यूमरेटर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी. इसमें रिवर्स हो गया, इसमें क्या होगा लास्ट वाले भी अभी जो मैंने आपको समझाया था उसमें क्या डिनोमिनेटर सेम था जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन था वो फ्रैक्शन आपकी ग्रेटर देन हो गई. इसमें क्या न्यूमरेटर सेम है और क्या है डिनोमिनेटर चेंज है लेकिन जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो आपकी स्मॉलर देन होगा, वो आपकी स्मॉलर फ्रैक्शन होगी. क्लियर है यहां तक सभी को. अब देखिए एक एग्जाम्पल और लिखती हूं मैं. इसमें देखिए ग्रेटर देन कौन सा है. अगर लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि सेम न्यूमरेटर है दैट मींस जो छोटा न्यूमरेटर होगा वो आपकी ग्रेटर देन फ्रैक्शन होगी. जिसमें डिनोमिनेटर सॉरी छोटा होगा वो आपकी ग्रेटर देन. इसमें डिनोमिनेटर छोटा किसमें है, ये छोटा है तो ये आपकी ग्रेटर देन फ्रैक्शन हो जाएगी. ओके ये आपकी ग्रेटर देन का न्यूमरेटर सेम होगा तो आपका जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो आपकी फ्रैक्शन स्मॉलर हो जाएगी. ओके बाकी हम कल कंपैरिजन ऑफ टू लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस की हम कल कंपैरिजन वाला क्वेश्चंस करेंगे. ओके कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे.